अब हम थोड़ा रायता बनवा रहे हैं बिरयानी पकाने के लिए। दही लिया है और दही को अच्छी तरह से फिटवा दिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अब हम इसमें भुना जीरा डालेंगे। मैं हाफ टी स्पून काला वाला नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फेटेंगे और ताकि सब मिक्स हो जाए। बूंदी का रायता बनवा रहे हैं, बहुत टेस्टी होता है बूंदी का रायता। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डलवा के 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि थोड़ी देर के लिए फूल जाए, फूल जाएगी फिर बाद में दही में डालेंगे हम इसको। अब हम इसे, ये बूंदी जो है हमने फुला के रखी थी भीग गई है, अब इसको हम इसमें डाल रहे हैं दही में। बहुत जल्दी फूल जाती है। हल्के गुनगुने पानी में इसको बूंदी को भिगो दीजिए और फिर 5 मिनट में ये फूल जाएगी। फिर उसके बाद में इसको दही में डाल दीजिए। दही में लहसुन अदरक डालिए, थोड़ी सी मिर्च डालिए, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डालिए। बहुत अच्छा रायता बनता है इसका बूंदी का, बहुत टेस्टी होता है। और जुकाम हो गया है, मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है, वायरल हो रहा है मुझे। देखिए कितना बढ़िया बना है बूंदी का रायता। अब इसको थोड़ा सा धनिया पत्ते से डेकोरेट कर देते हैं। जो हमने बूंदी भिगोई थी वो हमने इसमें दही में डाल दी है, रायते में। इस तरह से हमने रायता बनाया है। ये देखिए ये फूल गई थी, हमने इसके अंदर डाल दिए हमने ये बूंदी का रायता। रायते के साथ बिरयानी बहुत इसका डबल हो जाता है, मतलब अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा कर देते हैं। ये हमारा रायते का है प्याला, इस बाउल जो है रायते का है। इसमें हम रायता जो है बहुत अच्छा लगता है, इसमें रखते हैं, डेकोरेट करते हैं, रायता हम इसमें निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसको डेकोरेट कर लें। खाने का टेस्ट इससे डबल हो जाता है। रायता जो है ये आप खिचड़ी से खाइए, तायरी से खाइए या फिर दाल से खाइए, खाने का मज़ा जो है डबल हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया बूंदी का रायता है। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, जाड़ों में भी अच्छा लगता है दही का रायता, बूंदी का। खाने का टेस्ट डबल हो जाता है, दाल से जिस चीज़ से खाइए रायता तो बहुत ही अच्छा होता है। पुलाव से खाइए, बिरयानी से खाइए, खिचड़ी से खाइए, तायरी से खाइए। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।